आज का टॉपिक है कि क्यों ब्लैक मैजिक जब क्योर हो जाता है तो उसके बाद मोस्टली कोई ना कोई डिजीज जो हमें पहले नहीं था वो हमारी लाइफ में एंटर कर जाता है। बहुत से लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आई थॉट कि आज इसके बारे में जवाब दिया जाए यूट्यूब में, और बहुत ही ब्रीफ में और शॉर्ट में टू द पॉइंट में इसके बारे में जवाब दूंगी टू ऑल द पीपल जो ये जानना चाह रहे हैं। पर्सनली तो ऑफकोर्स मेल पे हम लोग डायग्नोसिस के साथ इस चीज़ को बताते ही हैं टू एवरीवन, ओके, बट आज मैं चाहती थी कि सबके सामने जो यूट्यूब के ऑडियंस हैं उनको भी इसके बारे में एक अवेयरनेस हो जाए, ताकि आगे चल के कल को गॉड फॉरबिड अगर कुछ उनकी लाइफ में ऐसा होता है या किसी की लाइफ में ऑलरेडी हो रहा है जिसको वो जानते हैं, तो ये नॉलेज, ये एक जो सीक्रेट है वो उसके साथ शेयर कर सकें, शायद उसे कोई मदद मिल जाए, यू नो। सो अब पहली बात तो ये समझ लो कि जब ब्लैक मैजिक विक्टिम कोई आता है, ओके, उसके रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल निकलता है। ये तुम लोग ही मुझे लिख लिख के कि यू नो दैट दीदी ऐसा हो रहा है, सब कुछ मेडिकली रिपोर्ट में नॉर्मल निकल रहा है, लेकिन नॉर्मल है नहीं, हम ये बता रहे हैं। हमारे साथ ऐसा ऐसा 1, 2, 3, 4 बुलेट पॉइंट्स में लिखा हुआ आ जाता है जीमेल पे, एंड आई रीड इट वेरी केयरफुली, एक एक चीज में पढ़ती हूँ, ऐसा 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 ऐसा, अच्छा ठीक है, इतना तो ये खुद ही अपने बारे में द पर्सन इज टेलिंग। अब ये जो उसने बताया है ये कुछ ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है या एक्चुअली कुछ मेडिकल इशू है या कुंडली प्रॉब्लम है, वो डायग्नोसिस में पता चल जाता है। वो उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनी है, दैट केस स्टडी क्या है और डायग्नोसिस क्या है, वो जाके देख सकते हैं जो नया कोई अगर इस चैनल को फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो, ओके। सो ये क्लियर है हमें यहाँ तक कि ब्लैक मैजिक विक्टिम्स जो हैं उनके रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि जब हमको इतना ब्लैक मैजिक हो रखा था, इतना नेगेटिव हम चीज़ में ट्रैप थे, तब हमको कोई नॉर्मल बीमारी नहीं थी, हम तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, कोई डिजीज नहीं था हमको, हम तो सही थे, ओके। तो जब क्योर हो गया, ये कैसा क्योर हुआ है कि उसके बाद हमको ये डिजीज ऑल ऑफ अ सडन बाहर आके दिखा रहा है कि यू नो मैं तुम्हारे लाइफ में हूँ ऑल ऑफ अ सडन, ये कहाँ से एंट्रेंस हो गई है डिजीज की? तो उसमें मैं हमेशा ये लिख के भेजती हूँ डायग्नोसिस रिपोर्ट के साथ कि एक चीज समझ लो इस चीज को कि जब ब्लैक मैजिक किसी की भी लाइफ में होता है और किसी भी फॉर्म में होता है या किसी भी एरिया में होता है लाइफ के, चाहे वो स्टडीज हो, मनी एस्पेक्ट हो, प्रॉपर्टी एस्पेक्ट हो, रिलेशनशिप एस्पेक्ट हो, वट एवर इट इज, ओके, अल्टीमेटली तो ये नेगेटिव फोर्स ही है, एक नेगेटिव एनर्जी है, ओके, जो कंट्रोल करके रख रही है, जिसने पूरा ऑरा नेगेटिव बना दिया है तुम्हारा, ओके। ये मेक श्योर करती है, यही इसका ट्रिक है, यही इसका स्मार्ट गेम प्लान है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट का जिसको तांत्रिक मिसयूज करते हैं, ओके। इसका सिंपल ये चीज है कि जो भी चीज तुम्हारी बॉडी में नॉर्मल डिजीज की तरह बन रही होगी, जैसे किसी को स्किन रैश होता है या स्किन की प्रॉब्लम है, या फॉर दैट मैटर और किसी को जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे होती है, ये उन सब चीज़ों को जो है सप्रेस कर देता है, या किसी को फॉर दैट मैटर हाई बीपी की प्रॉब्लम, ये सबको सप्रेस कर देता है, ये फील ही नहीं होने देता कि रिपोर्ट में कुछ निकलने ही नहीं देता कि देर इज सम प्रॉब्लम मेडिकली, कितने भी टेस्ट करा लो। तो तुम सोचोगे अच्छा बिकॉज आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड था, या क्योंकि मेरे से ब्लैक मैजिक है मुझे अजीब लगता है तो कुछ ऐसा हो रहा होगा, जब मेरा ब्लैक मैजिक रिमूव होगा ये सब खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ब्लैक मैजिक तो अलग अपना है ही, ओके, लेकिन एक ये जो चीज़ एक नॉर्मल इंसान के साथ जो बीमारियां होती हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, वो अगर तुम्हें होंगी भी ना तो वो सामने नहीं आएंगी। ये ट्रिक है ब्लैक मैजिक की, और सबसे खतरनाक बात भी ब्लैक मैजिक के बारे में यही है कि जो नेगेटिव फोर्स है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेती है एक नॉर्मल सिचुएशन भी जो लाइफ में हो रही होती है, और उसको बैड टू वर्स बनाती है। अपने तो उसके अफेक्ट्स ही अलग जिसके साथ वो आ रहा है, वो नेगेटिव इफेक्ट, वो नेगेटिव एनर्जी, लेकिन तुम्हारा जो चीज एक नॉर्मल ह्यूमन बींग में कभी बीमारी चल रही है, कभी कुछ चल रहा है, ठीक है, उसको भी वो कैप्चर करती है, और इतनी स्मार्टली कैप्चर करती है कि उसे छुपा देती है कि तुम तो नीचे चले जाओ। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे बारे में रिपोर्ट आ गई तो वहां क्योर शुरू हो जाएगा, और ब्लैक मैजिक जब तुमको पकड़ता है ना किसी को भी, तो वो चारों तरफ से पकड़ता है, ये बात ध्यान रखो, ओके। तो इसमें क्या है, वो चीज तो दब गई, अब जब तुम्हारा ब्लैक मैजिक ठीक हुआ तो तुम तो सोचोगे कि भाई मेरा तो ब्लैक मैजिक ठीक हो गया, ऑल ऑफ अ सडन कैसे हो गया? तो जब
डायग्नोस रिपोर्ट भेजी जाती है तो बताया जाता है कि अगर कोई भी डिजीज, सबके साथ नहीं होता है ये चीज़, लेकिन ये हो सकती है पॉसिबिलिटी और मोस्टली होती है, ओके, जो हम मेंशन कर देते हैं कि उसके बाद अगर तुम्हें कोई डिजीज़ फील हो रहा है तो ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ को दबा रखा है, सप्रेस कर रखा है ज़बरदस्ती, जिसकी वजह से वहाँ एक जहर क्रिएट हो रहा है या एक पॉइजन क्रिएट हो रहा है, जब तक वो सामने नहीं आएगा वो बाहर कैसे निकलेगा? वो जब बाहर रिवील होगा, सबको पता चलेगा, तभी तो उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा। और ब्लैक मैजिक में कोई मेडिसिन काम नहीं करती है, ये भी इंडिविजुअली डायग्नोस में बताया जाता है, ओके? तो ऐसा नहीं कि कुछ बताया नहीं जाता, पहले बताया जाता है, मेडिसिन काम नहीं करती, लेकिन जब क्योर हो जाओगे तुम स्पिरिचुअली तो मेडिसिन भी तुम्हारे वर्क करेगी। तो मेडिसिन कहाँ वर्क करेगी? इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, जो दवा रखी है, कोई डिजीज है, जब वो सामने उभरेगा तभी तो उसका इलाज करोगे ना, बिना सामने आए कैसे कोई चीज ठीक होगी? प्रॉब्लम होगा तो उसका सोल्यूशन होगा ना, पता चलेगी जब, राइट? इट्स अ वेरी गुड न्यूज। इसका मैं एक एग्जांपल भी देती हूँ कि एक लेडी थी जो जिनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, ब्रेन रिलेटेड, एंड शी उस उनको हमने पहले ही ये, जैसे मैं ये डिस्कस कर रही हूँ, आई टोल्ड ऑन द डायग्नोसिस थ्रू मेल की बी प्रिपेयर्ड कि कोई भी ऐसी कोई बड़ी डिजीज हो सकती है जो सामने आएगी, बट वो एक गुड न्यूज होगी क्योंकि उसके बाद जब उसका आप ट्रीटमेंट कराओगे आपके फेवर में वो सिचुएशन जाएगी और मेडिसिन काम करेंगी जो आज तक काम नहीं कर रही थी नॉर्मली। वो सारी डिजीजेस बाहर आएंगी, एज रिलेटेड डिजीजेस जो अभी तक दबी हुई थी, joint pains to your sugar to everything, ये बाहर निकलेंगी सब चीजें जो दबी हुई थी और ये मेडिकली ही ठीक होंगी। एक नॉर्मल लाइफ में जैसे एक हम जाते हैं हॉस्पिटल, एक कोर्स होता है मेडिसिन का, प्रिकॉशंस ऑफ डाइट एंड एवरीथिंग, वो सब फॉलो करना पड़ेगा, एंड शी बिकेम एब्सोल्युटली नॉर्मल, ओके? तो बहुत अच्छी न्यूज है कि अगर ब्लैक मैजिक के बाद अगर डिजीज निकल रही है, क्योंकि उसका क्योर भी होगा, ओके? मेडिसिन काम करेंगी। सो दिस इज द रीजन कि अगर ऐसा होता है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये मैं आज YouTube पे बहुत क्लियरली क्लियर कर दिया है, ठीक है? तो आई होप ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीक अनदर टॉपिक, टिल देन गुड बाय।